अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिस रुबा हेयर। अब हमारी साइंस की क्लास है, सो साइंस पे आज हम अपना बुक वर्क करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स का बुक वर्क करेंगे जो हमारे रिमेनिंग है। सो आप लोग बुक ओपन करें। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद ब्लैंक्स करेंगे बुक में। सो क्लास आप लोग साइंस की बुक ओपन करें। आज हम बुक का काम करेंगे, चैप्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स ही चल रहा है हमारा, उसका हम बुक वर्क करेंगे। ओपन योर बुक, ओपन पेज नंबर 23। पेंसिल ले लें अपने हैंड में आप सब। सबसे पहले टॉप पे डेट राइट करते हैं, 28/7/2020, क्लास वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स, चूज द करेक्ट काइंड ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द बॉक्स, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। कह रहे राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स, इन एनिमल्स के नेम आपने राइट करने हैं जिनकी पिक्चर्स दी गई हैं नीचे। उसके बाद आपने करेक्ट काइंड ऑफ एनिमल चूज़ करना है कि ये कौन सी किस्म का एनिमल है, ठीक है, पेट है, वाइल्ड है, वाटर एनिमल है। पहला आपके लिए डन किया गया है, पहला आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है। जैसे कि ये लॉइन है, नेम राइट किया है, और ये वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। सो यहाँ पे पढ़ते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल, फार्म एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से इंसेक्ट हैं, कौन से बर्ड हैं, कौन से वाटर एनिमल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए यहाँ पे देखें, इन्होंने डन कर दिया कि ये लॉइन है, लॉइन की पिक्चर है, आपको भी पता है ये लॉइन है, और ये वाइल्ड एनिमल है। नंबर 2 आपको किसकी पिक नज़र आ रही है, शीप। तो हम यहाँ लिख देते हैं शीप, SHEEP, शीप। तो ये शीप जो है कौन सा एनिमल है, पेट एनिमल है, वाटर एनिमल है, फार्म एनिमल है, इंसेक्ट है, या बर्ड है। वाइल्ड तो नहीं है, ठीक है, पेट एनिमल भी नहीं है, वाटर एनिमल भी नहीं है, पानी में रहने वाले भी नहीं है, तो फार्म एनिमल है, इंसेक्ट और बर्ड भी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे फार्म एनिमल, फार्म एनिमल, ठीक है। अब देखें ये किसकी पिक है, ये है पिजन। फर्स्ट लेटर आप लोगों ने कैपिटल लिखना है, PIGEON, पिजन, ठीक है। ये कबूतर है, और ये बर्ड है, आप सबको पता ना ये परिंदा है। हम यहाँ लिखेंगे बर्ड, BIRD, बर्ड। नेक्स्ट देखें ये किसकी पिक है, डॉग की, ठीक है, ये है डॉग। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे डॉग, DOG, डॉग। तो डॉग कौन सा एनिमल है, पेट एनिमल है, वाटर एनिमल है, या इंसेक्ट है। जाहिर है पेट एनिमल है, ठीक है, घर में हम लोग पालते हैं ना, पालतू जानवर है। तो हम यहाँ लिखेंगे PET, पेट एनिमल। ओके, अब देखें ये किसकी पिक है, डक की। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे डक, DUCK, डक। और ये कौन सा एनिमल है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, देखें पानी में है ना, ये वाटर में है, तो इट मीन्स ये वाटर एनिमल है। तो हम यहाँ लिखेंगे वाटर एनिमल। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में ये है बटरफ्लाई, तो हम यहाँ इसका नेम राइट करेंगे बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई को हम इंसेक्ट्स में काउंट करते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है ना ये इंसेक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे इंसेक्ट। ओके, सो ये एक्टिविटी जो थी वो डन हो गई है। आपको नज़र आ रही है किस तरीके से किया है, शीप फार्म एनिमल, पिजन बर्ड, डॉग पेट एनिमल, डक वाटर एनिमल, बटरफ्लाई इंसेक्ट। क्लास अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को देखते हुए ब्लैंक्स को फिल करेंगे हम। अ डैश लिव्स इन अ नेस्ट, क्या चीज़ है जो कि नेस्ट में रहती है, नेस्ट मीन घोंसला, लॉइन या बर्ड, शेर रहता है या परिंदे रहते हैं, जाहिर है परिंदे रहते हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बर्ड, सिंगुलर यहाँ पर लिखा है तो हम भी सिंगुलर ही लिखेंगे, BIRD, बर्ड। ओके, परिंदा।
नंबर बी डैश गिव अस एग्स, क्या चीज़ हमें अंडे देती है, काउस या हैंस, गाय देती है या मुर्गी देती है, मुर्गी देती है ना तो हम लिखेंगे हैंस, एच कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, एच ई एन एस हैंस। नंबर सी वी मेक डैश गारमेंट्स फ्रॉम वूल, अब मुझे बताएं वूल से हम कौन से गारमेंट्स बनाते हैं, ऊन से हम कौन से गारमेंट्स बनाएंगे, सिल्क या वुलन, जाहिर है वूल से हम वुलन ही बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक में आएगा वुलन, डब्ल्यू डबल ओ एल ई एन वुलन, ठीक है, ऊन के ही कपड़े बनाएंगे। नंबर डी द एनिमल्स वी कीप एट होम आर कॉल्ड डैश, वो जानवर जो हम घर में रखते हैं, घर में पालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, डैश एनिमल्स लिखा है, वाइल्ड या पेट, जाहिर है पेट एनिमल्स होते हैं ना वो जो हम घर में रखते हैं, पी ई टी पेट, ओके। लास्ट ब्लैंक देख लेते हैं, हनी बीज लिव इन डैश, हनी बीज शहद की मक्खियाँ कहाँ रहती हैं, नेस्ट में या हाइव्स में, घोंसले में या छत्ते में, तो आपको पता है ना हाइव्स में रहती हैं, एच आई वी ई एस हाइव्स। सो ये हमारी ब्लैंक्स भी हो गई कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं पूरा पेज आज हमने किया, ये हमारा क्लास वर्क था, आप लोगों ने साथ साथ इसे याद भी कर लेना है क्लास में, अगेन कह रही हूँ आप लोग ये काम करें और साथ साथ इसे याद करते रहें, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए बाद में मुश्किल ना हो, जब पेपर्स हों तो आप लोग को ये याद हो, अगर समझ के करेंगे तो फिर तो आप लोग के लिए बहुत आसान होगा, जब हम समझ के करते हैं तो फिर हमें ऑब्वियसली याद हो जाता है। सो ये हमारा आज का काम था, आप वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं और अगर आपका काम हो गया है तो बुक को क्लोज कर लें। सो क्लास आज का हमारा साइंस का यही काम था जो मैंने आप लोग को करवाया, आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी किस तरीके से करना है, आप लोग इसे याद भी कर लें कि कौन से पेट एनिमल्स होते हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स होते हैं, ब्लैंक्स भी साथ में याद कर लीजिएगा, यही आज का हमारा काम था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।